हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी के नाइस। तो फ्रेंड्स, सुबह की ये वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट जानकारी होती है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो वीडियो को मिस मत कीजिए, एंड तक ज़रूर देखें। आप देख सकते हैं हेडिंग में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लेकर लेटेस्ट न्यूज़ है, एलटी ग्रेड रिजल्ट को लेकर लेटेस्ट न्यूज़ है, हिंदी सामाजिक विज्ञान विषय के रिजल्ट की भी मांग की गई है, और टीजीटी पीजीटी 40,000 पदों की न्यूज़ है, इसमें पद बहुत अधिक घटने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बड़ी खबर है। 9 अभ्यर्थियों ने दावेदारी वापस ली है। बीटीसी 50 की उम्र में भी मिलेगी नौकरी। टुडे जॉब अलर्ट है आज की सबसे अच्छी जॉब किस क्षेत्र में निकली है और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में। तो चलिए सभी न्यूज़ों को कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी। तो फ्रेंड्स, इन पदों का बहुत बेसब्री से इंतजार है बहुत सारे लोगों को। अध्याचन लेकर शासन ने टास्क फोर्स से कराया सत्यापन। डीजीटी पीजीटी 2019 सबसे बड़ी भर्ती में घटेंगे अधिक पद। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। 4,000 से अधिक कॉलेजों ने पद खाली होने की दी थी सूचना। 40,000 से अधिक पद खाली होने का अध्याचन मिलने की चर्चा थी। सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों के लिए अब तक 2019 की भर्ती का खाका नहीं खींच सका है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश जिलों में रिक्त पदों का अध्याचन ले चुका है। बड़े पैमाने पर पद खाली भी मिले, लेकिन शासन की ओर से कराई गई टास्क फोर्स की जांच में तस्वीर उलट मिली है। कहीं छात्र संख्या बहुत अधिक, फिर शिक्षक कम है, तो कहीं छात्र कम है लेकिन शिक्षक अधिक संख्या में नियुक्त हैं। इसमें मिले रिक्त पद घटने के पूरे आसार हैं, फिर भी यह भर्ती पदों के लिहाज पर अब तक की सबसे बड़ी भर्ती होगी। एसआई का एहसास की माध्यमिक कॉलेजों में प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के का चयन करने का जिम्मा चयन बोर्ड पर है। पहली बार ऑनलाइन अधियाचन लिया गया ताकि जिलों में रिक्त पदों की संख्या मिल सके। 4,000 से अधिक कॉलेजों में बड़ी संख्या में पद खाली होने की सूचना जिला मुख्यालय पर दी। जिला विद्यालय निरीक्षकों ने उनकी छानबीन करके अधियाचन आगे बढ़ाया। उसी समय तमाम पदों का अधियाचन नहीं भेजा गया। इसके बाद भी करीब 40,000 पद खाली होने का अधियाचन चयन बोर्ड को मिलने की चर्चा है। शासन ने इन पदों का सत्यापन कराने के लिए हर जिले में टास्क फोर्स गठित किया। इसमें सामने आया कि कई ऐसे कॉलेज है जहाँ पर शिक्षक बहुत कम है, तो तमाम में शिक्षक बहुत में मिले। इसमें शासन अब छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों को संयोजन करने का मंथन कर रहा है। यह कार्य किस तरह किया जाएगा अभी स्पष्ट नहीं है। सत्यापन में कुल अधियाचन के पद घटना लगभग तय है। तो सत्यापन में यहाँ पर टास्क फोर्स के द्वारा पद घटने का पूरा तय है। चयन बोर्ड ने दी भर्ती का समय की सारणी। चयन बोर्ड ने हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में 2019 की भर्ती की समय सारणी दी थी। उसमें अक्टूबर में विज्ञापन जारी करने को लेख था, लेकिन अब तक रिक्त पदों पर ही सहमति नहीं बन पाई है कितने पदों पर यह भर्ती होगी, इसलिए नवंबर का पहला पखवाड़ा पूरा होने के बाद भी विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। ठीक है ना। सूत्रों की माने तो चयन बोर्ड ऑनलाइन आवेदन लेने के लिए वेबसाइट तैयार कर रहा है। तो आवेदन लेने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट तैयारी की जा रही है। इसमें समय लगने के संकेत है। पूरा होने के बाद ही चयन बोर्ड पदों का अधिकृत ऐलान विज्ञापन के जरिए करेगा। प्रतियोगी इसका लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। बड़ी खबर थी एलटी ग्रेड अभ्यर्थियों का विलेख सत्यापन 22 से हमने आपको अपडेट करा दिया था। सहायक प्रशिक्षित का चयन यूपीपीएससी ने खेल निदेशालय के तहत सहायक प्रशिक्षित टेबल टेनिस के पदों पर सीधी भर्ती में चयन के लिए 15 नवंबर को इंटरव्यू लिया था। अनारक्षित पद पर एक अभ्यर्थी का चयन किया गया, यानी कि यह रिजल्ट जारी किया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने। और 22 से 18 नवंबर तक आपके सत्यापन चलेंगे, ये तो हमने आपको अपडेट करा दिया था। हिंदी व सामाजिक विज्ञान के परिणाम घोषित करने की मांग की गई है। एलटी ग्रेड समर्थक मोर्चे ने एलटी ग्रेड हिंदी और सामाजिक विज्ञान का परिणाम घोषित करने की मांग की। अभ्यर्थियों का कहना था कि 29 विषयों में से, यानी महिला और पुरुष के मिलाकर अधिकांश का परिणाम घोषित करने के बाद हिंदी और सामाजिक विज्ञान का परिणाम घोषित न करना उनके साथ सौतेला व्यवहार है। तो अब इन्होंने जल्द से जल्द धरना प्रदर्शन की कार्रवाई की जाने का भी निर्णय लिया है। और गलत जानकारी दी तो होंगे डिबार। भ्रामक जानकारी देकर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ सख्त हुआ आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लेकर भी जो वैकेंसी निकलती है उसमें आवेदन होता है, तो उसमें गलत सूचना देना आपको भारी पड़ सकता है। यहाँ पर आप पर कार्रवाई हो सकती है। लोक सेवा आयोग की भर्तियों के लिए आवेदन करते समय गलत व भ्रामक सूचना देने वालों के खिलाफ डिबार की कार्रवाई की जाएगी। आयोग के उप सचिव सत्य प्रकाश की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि आवेदन समय अभ्यर्थियों की ओर से चयन से संबंधित सूचनाएं छिपाई जाती हैं अथवा गलत भ्रामक और झूठी भरी जाती हैं जिनका उनके पक्ष में एक प्रभाव पड़ता है। ऐसे अभ्यर्थियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि कुछ अभ्यर्थी सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन के समय जहां अंक पत्र प्रमाण पत्र नहीं लगाते गलत जानकारी भरकर इंटरव्यू में शामिल होने का अवसर
हासिल कर लेते हैं। ऐसे में अभ्यर्थी आवेदन को गलत जानकारी भरकर सही अभ्यर्थियों के चयन का हक छीनते हैं। लगातार मिल रही इस प्रकार की शिकायतों को ध्यान रखकर आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ डिबार की कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। तो अब अलर्ट हो जाइए, अब ऐसा नहीं करना है। और 9 अभ्यर्थियों ने वापस ली दावेदारी। आयोग ने उच्च पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के दावेदारी वापस लेने की अपील की थी, जो आपको हमने नोटिस अपडेट कराया था उसमें था कि यदि आपका कहीं उच्च पद पर चयन हो चुका है, RO/RO 2017 को लेकर था, तो आप वहाँ पर अपना अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं। ठीक है, लोकसेवा आयोग की ओर से RO/RO 2017 के अभ्यर्थियों से अपील का सकारात्मक असर दिखा। आयोग ने उच्च पद पर चयनित उन अभ्यर्थियों से अपील की थी जो RO/RO 2017 में नौकरी नहीं चाहते हैं। कहा गया था कि आवेदन के जरिए अपना अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं। तो 9 अभ्यर्थी ऐसे निकले जिन्होंने अपना अभ्यर्थन वापस लिया, और इनकी जगह अब कुछ और बेरोजगारों का सिलेक्शन हो सकता है। तो अच्छी न्यूज है, एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और चलिए अब आज की जॉब अलर्ट के बारे में देख लेते हैं। सबसे अच्छी जॉब किस क्षेत्र में निकली है? जूनियर रेजिडेंट के पदों पर मौका है सफदरजंग हॉस्पिटल एंड VMMC नई दिल्ली में। जूनियर रेजिडेंट नॉन PG विभिन्न विभागों के लिए पदों की संख्या 178 है। शैक्षणिक योग्यता MBBS डिग्री व दिल्ली मेडिकल काउंसलिंग में पंजीकरण के साथ अन्य निर्धारित योग्यताएं होनी चाहिए। और इसकी वेबसाइट है www.vmmmcsjs.nic.in पर आप अच्छे से और भी विजिट इसके बारे में कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 29 नवंबर 2019 है। ठीक है, सुरक्षा अधिकारी व सुरक्षा रक्षक के पद रिक्त हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में। सहायक सुरक्षा अधिकारी ए एवं सुरक्षा रक्षक पदों की संख्या 92 है। आयु सीमा 6 दिसंबर 2019 की अधिकतम आयु 27 से 30 होनी चाहिए। शारीरिक परीक्षण एवं लिखित परीक्षा के द्वारा चयन होगा। ठीक है, वेबसाइट पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। पद अनुसार स्नातक व 10वीं पास अन्य योग्यताएं। ST/EMC के लिए निःशुल्क है। अन्य सुरक्षा अधिकारी और पद के लिए 150 और सुरक्षा रक्षक पद के लिए 100 रुपये। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 6 दिसंबर है। सेलर के पदों पर आवेदन है। भारतीय नौसेना में 400 पद यहाँ पर खाली हैं। ठीक है, कितने? 400 पद। और इस पर भी आप विजिट करने के बाद ज्वाइन इंडियन आर्मी सॉरी ज्वाइन इंडियन नेवी .gov.in पर आप विजिट करके आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और इंजीनियर के पद के लिए सुनहरा मौका बहेल कंपनी में। ठीक है, आवेदन पत्र के भेजने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2019 है। पदों की संख्या इसमें 10 है। सामान्य के लिए 3, ST/ST 6, OBC 1। आयु सीमा अधिकतम 26 नवंबर के लिए। और फ्रेंड्स, राहत यहां पर है, विशिष्ट BTC करने वालों को 50 की उम्र तक मिलेगी नौकरी। हाईकोर्ट का फैसला है, वर्ष 2006, 2004, 2008 के अभ्यर्थियों को ही मिलेगा लाभ। यदि आप इन 3 साल के अभ्यर्थी है, 2004, 2006 और 2008 के, तो यहाँ पर आपने BTC किया हुआ है तो 50 तक की उम्र में आपको नौकरी मिलना तय है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विशिष्ट BTC अभ्यर्थियों को 40 वर्ष की आयु के बाद नियुक्ति नहीं देने का बेसिक शिक्षा का आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 1981 के रूल 6 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। रूल 6 के प्रावधानों के मुताबिक विशिष्ट BTC वर्ष 2004, 2006, 2008 के अभ्यर्थियों को 50 वर्ष की आयु तक नियुक्ति दी जा सकती है। तो ये आपके लिए अच्छी न्यूज है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस न्यूज पर। महिमा श्रीवास्तव और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया। कोर्ट ने याचिकाओं को 3 सप्ताह में नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के इस दलील को भी मानने से इनकार कर दिया। याचिकाओं को पूर्व की भर्तियों का मौका दिया जा चुका है। कोर्ट ने कहा कि नियमावली में ऐसे कोई रोक नहीं है, 1 या 2 बार का अवसर दिया जाएगा। याचिका अधिवक्ता सीमान सिंह के मुताबिक याचिकाओं ने 68,500 सहायक अध्यापक के लिए आवेदन किया था। अध्यापक पात्रता परीक्षा में वह सफल हुआ। उसकी काउंसलिंग 11 राज्यों और चंदौली में कराई गई। इसके बाद नियुक्ति पत्र देने से कहते हुए इनकार कर दिया कि उनकी आयु 40 वर्ष से अधिक है। अधिवक्ता का कहना था कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद में 31 अगस्त 2018 को सर्कुलर जारी किया गया था कि विशिष्ट BCT 2004-07-08 के अभ्यर्थियों को 50 वर्ष की उम्र तक का नियुक्ति दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें।